हम ट्राई लिक करेंगे। सबसे पहले गाजर का हलवा जा चुकी है, एक्सीडेंट में चला गया और इनको काम नहीं मिल पा रहा है कहीं पे। इन्होंने बहुत काम की ट्राई की, बहुत जगह पे गए, बहुत फैक्ट्रियों में गए। नमस्कार जी, मेरा नाम रवि कश्यप और मैं पानीपत से हूँ। और बेसिकली अभी हम आए हैं ब्लड डोनेशन करने। मेरा भाई ब्लड डोनेशन करने आया है, वहाँ पे सामने लगा हुआ है कैंप वहाँ पे। और हमें एक भाई मिले यहाँ पे जो कि इनका एक हाथ जो है ना एक्सीडेंट में चला गया और इनको काम नहीं मिल पा रहा है कहीं पे। इन्होंने बहुत काम की ट्राई की, बहुत जगह पे गए, बहुत फैक्ट्रियों में गए, इनको कहीं पे काम नहीं मिल पाया। और घर में अकेले कमाने वाले यही है और ये काफ़ी परेशान है। आइए हम जानते हैं इनकी कहानी इनसे ही। अपना नाम बताओ। मेरा नाम सोनू है। काम कोम नहीं मिल रहा एक हाथ के वजह से। वैसे कैसे हुआ था आपके साथ ये हादसा? ये मोटरसाइकिल पे हुआ था। मोटरसाइकिल पे हुआ था, ट्रक के नीचे आ गया था हाथ। अच्छा जी, और जो इसके ऊपर खर्चा जो भी होगी, जमा पूंजी, वो सारी इस पे लगी होगी? हाँ जी, जो भी डेढ़ लाख रुपए लग गया था इस पे। डेढ़ लाख रुपए लग गया। अब इनके आपके पिता है? पिताजी है? पिता इनके पिताजी भी नहीं है, मम्मी है। मम्मी है और घर में दो छोटे भाई है और सारा खर्चा इनको ही उठाना पड़ रहा है। उठाना क्या, अभी इनके पास काम नहीं है, कोई भी काम देने के लिए इनको राजी नहीं है इनके हाथ की वजह से। तो मैं चाहता हूँ कि इस भाई की मदद हो पाए और जो भी हमसे हो पाएगा भाई हम जरूर करेंगे। और मैं आपसे ये निवेदन करूँगा कि इस वीडियो को शेयर करें ताकि इस भाई की मदद हो पाए, इसको काम मिल पाए। और फिलहाल आप क्या काम कर रहे हैं? एक तो बस मांगना तांगना ही है जी। अच्छा, फिलहाल जो है भाई को मजबूरी में जब काम नहीं मिल पाया, देखिए हालात आदमी को कहाँ पे ले आते हैं कि उसको जो काम नहीं करना चाहिए वो करना पड़ रहा है, मांग के खा के गुजारा कर रहे हैं ये। तो मेरी आपसे यही निवेदन है कि आप इस वीडियो को शेयर करें, पानीपत के उन लोगों तक पहुँचाएं। कहाँ पे रहते हैं आप? नूर वाला। हाँ, ये नूर वाले में रहते हैं और इसी रोड पे मिलेंगे आपको, बरसत रोड पे, इसी रोड पे रहते हैं ज़्यादातर, है ना? तो मैं चाहूँगा कि आपसे जो भी हो पाए, 10, 20, 50, 100 जितने भी आपकी क्षमता है, आप भाई को गूगल पे फ़ोन पे कर सकते हैं। और नंबर जो है मैं ये खुद बताएंगे, आप नंबर बताओ भाई साहब। 7408466084। एक बार इंग्लिश में बता दो। 7404866084। क्या नाम आएगा इस पर लिखा हुआ? इस पर आएगा सोनू। सोनू, इनका नाम सोनू आएगा इस पर लिखा हुआ। आप गूगल पे, पेटीएम जो भी कर सकते हैं करिए भाई को, इनको इस टाइम ना बहुत सपोर्ट की ज़रूरत है। ये कैंप लगाया हुआ है जी रक्तदान का, रेड क्रॉस सोसाइटी के द्वारा। भाई ब्लड देगा और मैं कुछ दे नहीं सकता क्योंकि मेरी दवाइयाँ चल रही है, नहीं तो मैं भी जरूर करता रक्तदान। और मैं आपको कहना चाहूँगा, अगर आपकी पत्नी ने और वाली ने आपके शरीर में खून की एक भी बूंद छोड़ी हुई है ना, तो डोनेशन जरूर करिए। घर के खर्चों ने आपका खून नहीं पिया है, आपकी घरवाली ने आपका खून नहीं पिया है। इसके बेनिफिट तो आपको पता ही होगा कि ब्लड जो होता है ना डोनेशन करने से, डोनेट करने से, रक्तदान करने से आपके जो सेल्स होते हैं ना, और खून पतला होने से आपको हार्ट अटैक की संभावना भी कम हो जाती है और नया खून बनता है बॉडी में, स्फूर्ति आती है। तो इसके बहुत सारे मेडिकली बेनिफिट प्रूव हो चुके हैं खून डोनेशन करने से, और साथ में आपका खून जिसको जाएगा उसको भी नया जीवन मिलेगा। बैठा है भाई और इसको मिल चुका है। टाइम लगेगा थोड़ा। कितना टाइम लगेगा? बस 10-15 मिनट का टाइम लगेगा। 10-15 मिनट का टाइम लगेगा, उसके बाद भाई का नंबर आ जाएगा। देखिए कितने लोग ब्लड डोनेशन करने आए हैं, डोनेट करने आए हैं। मेरे ख्याल से 200 के लगभग इनका टारगेट था और भाई का नंबर आ गया है 195, यानी 5 लोग और आने थे बस, उसके बाद ये कैंप पूरा हो जाएगा। और उन्होंने बाहर से आए हुए लोगों के लिए खाने पीने का इंतज़ाम भी बहुत अच्छे तरीके से किया हुआ है गार्डन में। और अच्छे लोग, देखिए अच्छे लोग आपके चारों तरफ है और देखिए ये सारे अच्छे लोग हैं, ये सारे अच्छे लोग हैं।
क्या नाम है भैया आपका? शुभम जी। तो आपने फर्स्ट टाइम किया है या पहले भी कर चुके हैं? पहले 3-4 बार कर चुके हैं। हाँ जी, पहले 3-4 बार कर चुके हैं। पहले 3-4 बार कर चुके हैं। तो आपको फिर इसके बाद फील होता है कुछ? अच्छा फील महसूस होता है। अच्छा फील होता है, यानी कि ये ऐसे नहीं कि कोई लोग समझते हैं कमजोरी आती है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। ऐसा कुछ नहीं है। और आप एक दो दिन बाद अगर आप जिम वगैरह में जाते हो तो जा सकते हैं ना? हाँ, कोई ऐसा इशू नहीं। तो भैया खून देने से कभी कमजोरी नहीं आती है? आप ये सोचते होंगे खून देने से कमजोरी आती है, ये आपका सिर्फ मिथ्या है, भ्रम है आपका। आप जितना खून दोगे ना उतना आपको अच्छा लगेगा, आपको लगेगा आप किसी के काम आए हैं, और साथ में आपके ब्लड सेल भी बढ़ेंगे जो कि मेडिकली आप प्रूव हो चुका है। ब्लड देने वालों को वीकनेस फील ना हो इस वजह से खाने पीने का भी इनका भी प्योर इंतजाम किया हुआ है। यहाँ पे खाना पीना मिल रहा है आपको और साथ में गिफ्ट भी मिलेंगे। और वहाँ पे रजिस्ट्रेशन हो रहा है जो आपको ब्लड डोनेशन करना है, वहाँ पे आपकी कुछ फॉर्मेलिटीज़ है जो पूरी की जाएंगी, उसके बाद ही आप ब्लड दे पाएंगे। आपसे कुछ क्वेश्चन किए जाएंगे कि आपने दवाई वगैरह कब खाई थी, दारू तो नहीं पीते हैं, या कोई बीमारी हो पास्ट में, उसके बाद ही आपको नंबर मिलेगा। और यहाँ पे आपको एक प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा रेड क्रॉस सोसाइटी की तरफ से, उसको दिखा के आप साल में एक साल तक वैलिड रहता है ये, उसके बाद एक साल के अंदर आप अगर आपको ब्लड की ज़रूरत पड़ती है किसी को भी तो आप इसको दिखा के रेड क्रॉस से अपनी एक बोतल जो ब्लड है ना ले सकते हैं, किसी भी ग्रुप का वो चेंज हो जाएगा आपके ब्लड के साथ। और ये बाहर से आए लोगों के लिए खाने पीने का इंतजाम भी कर रखा है। खाने पीने का बेहतरीन इंतजाम किया गया है संस्था वालों की तरफ से। ये गार्डन के अंदर ये प्रोग्राम है और ये एम्बुलेंस खड़ी हुई है, अगर किसी को प्रॉब्लम आ जाती है ब्लड देते टाइम तो उसके लिए रखी गई है ये एडवांस में। तो चलिए हम भी कुछ खा पी लेते हैं भाई। हम ट्राई लिक करेंगे सबसे पहले गाजर का हलवा, देखिए तो ये हमारे खाने की थाली आ चुकी है। यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शन हैं खाने पीने के, सूप भी है, लेकिन हमें लगता है कि हल्का फुल्का लाइट ही लेना चाहिए खाना, ज़्यादा अन्न खाना भी अन्न की बर्बादी है। उसके बाद एक ये खाना खाने के बाद हल्की फुल्की कॉफ़ी लेंगे। दोस्तों दुनिया में अच्छाई बिल्कुल भी ख़त्म नहीं हुई है और इसका आज प्रमाण मुझे मिला। वो कैसे मिला कि मैं आज अच्छे लोगों की तलाश में निकला था और देखे मुझे कितने अच्छे लोग मिले। 200 लोग तो वो जो यहाँ पे रक्तदान करने आए थे, अच्छे लोग ही करते हैं रक्तदान, बुरे लोग तो नहीं करते। और एक मुझे अच्छा वो मिला चाय वाला, कैसे कि मुझे एक सोनू भैया मिले थे जिनकी स्टोरी आपने सुनी होगी इसमें लोग में। मैंने उनको जाके कहा कि इनको जो भी खाना पीना है तो खिला दो इनको, क्योंकि वो मुझसे 1-2 रुपया मांग रहा था सोनू भाई, मजबूर हो गया यार बंदा। तो मेरे पास खुले नहीं थे, 200 रुपये का नोट था, मैंने सोचा चलो खुलवा के कुछ दे देता हूँ या खिला पिला देता हूँ। मैंने उसको ऑफ़र किया कि चाय पानी कुछ पीनी है, तो उसने कहा कि हाँ मैं चाय पी लूँगा। तो मैं चाय वाले के पास लेके चला गया और मैंने कहा इसको जो भी खाना पीना है दे दो। तो उस लड़के ने एक चाय और एक बिस्कुट लिया। तो उसके बाद जैसे ही मैं पैसे देने लग गया चाय वाले भैया को, अंकल को, तो उन्होंने पैसे लेने से मना कर दिया, क्योंकि उन्होंने
मेरे से बात करते हुए, जब मैं सोनू से बात कर रहा था उस स्टोरी का पता लगा सोनू की, तो उन्होंने चाय के पैसे से और बिस्किट के पैसे से लेने से मना कर दिया। मैंने कई बार कहा कि कोई बात नहीं सर लीजिए, तो उन्होंने कहा कि नहीं हमारे पास, मैं इस तरह की रोज़ मदद करता हूँ लोगों की, बहुत लोग आते हैं ऐसे और मैं पैसे नहीं लेता। तो चाय वाले साहब भी सैल्यूट है उनको, उनकी सोच को, वो ऐसे लोगों की मदद करते हैं खाने पीने में, अपनी चाय फ्री में पिला देते हैं जिसके पास पैसे नहीं होता। और यहाँ पे देखिए कितने अच्छे लोग हैं, इन्हीं अच्छे लोगों में से मिलकर ये खाने पीने का इंतज़ाम किया गया। मैंने भी अभी खाना खाया यहाँ पे, और मैंने थोड़ी बहुत मदद की सोनू भाई की भी, और उन्होंने, आप प्लीज़ उसकी मदद ज़रूर करना यार, और इस वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर करना। आप वीडियो देखते हैं और लाइक और कमेंट करते नहीं यार भाई, ये तो गलत बात है यार, कर दिया करो, आपका कुछ नहीं जाता लाइक कमेंट करने से, आपका एक मिनट लगेगा सिर्फ। आपके जो भी विचार है आप ज़रूर साझा कीजिए, जो भी पूछना चाहते हैं पूछ लीजिए मुझसे। मैं यहाँ पहुंचने पर उपायुक्त महोदय जी का श्री राम दशहरा कमेटी बरसत रोड की तरफ से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। मैं तो खाना खाने, तो पानीपत के उपायुक्त महोदय यहाँ पे पहुँचे हैं मुख्य अतिथि के रूप में, उनका स्वागत किया जा रहा है यहाँ पे। हैप्पी जी, कुछ इस तरीके का सर्टिफिकेट मिलता है आपको, इसको दिखा के आप ब्लड ले सकते हैं ब्लड बैंक से रेड क्रॉस की। करते हैं यहीं पे एंड, और कमेंट करके ज़रूर बताना वीडियो कैसी लगी, और डोंट फॉरगेट लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब, प्लीज कमेंट ज़रूर करना यार, वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा तक लोगों तक पहुँचाए, और सोनू की मदद ज़रूर करना भाई। अगर आप एक रुपये से करना चाहते हैं ना तो एक रुपये से करना, अगर 10 से करना चाहते हैं 10 रुपये से करना। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ नई जगह पर। बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।